पंजाब में अकेले उतरेगी आप। 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों के नाम। जी हां, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पंजाब में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने पहले लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें पंजाब के मौजूदा विधायक और मंत्री हैं। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में बिना इंडिया गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रही है। पंजाब के जिन मंत्रियों को आपने लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है उनमें अमृतसर से मौजूदा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, बठिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह हैं। बता दें कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से एक सीट जीती थी, तब संगरूर से भगवंत मान ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भगवंत मान सूबे के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने 8 और एनडीए ने 4 सीटें जीती थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भले ही गठबंधन ना हुआ हो लेकिन 4 राज्यों में दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3-3 पर आप और कांग्रेस लड़ेगी। वहीं गुजरात की 2 सीटें और हरियाणा की 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल मई में खत्म होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी 7 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।